पहले आपके जो जो भी जिनका नाम आपने बोला है, मैं इनको जानती नहीं हूँ, और फर्स्ट ऑफ ऑल उनको इंटरव्यूज देखने चाहिए कि मैंने वो जो केस था वो राजेश्री मोरे पे किया था, यू नो 100 करोड़ का, क्योंकि उन्होंने बहुत बदतमीजियों से बात करा, बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए. तो और वो झूठ बोल रहे हैं कि उन पे मैंने केस किया. मैंने वो दूसरी जो लड़की है, दिन में भैया रात में सैया, जो जो ये जब नौटंकी करके जो राखी बांधने का नाटक कर रहे हैं, ये लोग मेरे नाम को बदनाम कर रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए उनको. बोल दिया जिसको बोलना था, जिसको समझने वाले थे वो समझ गए. ये किसके बारे में बात कर रहे हैं ना, वो मुझे नहीं पता आप किसके बारे में बात कर रहे हो. उनको मेरे सामने लेकर आइए. देखिए जब हाथी चलते हैं तो कुत्ते पीछे भौंकते हैं, है ना? तो मैं चलती हूँ, मेरे पीछे 1000 कुत्ते भौंकते हैं. मैं किस किस का जवाब दूँ और किस किस को काटूँ ना? और जिस दिन मैं काटने जाऊँगी उसके इंजेक्शन भी नहीं बने होंगे. उसको बोलिए सिर्फ करेला खा के दिखाए कच्चा, उसके बाद में बात करेंगे. राखी सावंत के पास हर सवाल का जवाब है, क्योंकि राखी सावंत सच्ची है. अब तो मुझे अल्लाह अब्बा पिता खुदा का आशीर्वाद भी मिल चुका है, और आज आप मेरा लुक देख रहे हैं. पहले मुझे लगा था कि मैं अबाया पहनूंगी तो मुझे बॉलीवुड में कोई खड़ा नहीं करेगा, बॉलीवुड में मुझे कोई काम नहीं देगा. और जब मेरे सर पे खुदा का हाथ है, देश की जनता का हाथ है, अल्लाह का हाथ है, तो चाहे मैं ऊपर से नीचे तक ढकी भी रहूँगी तो मेरी जो रिज़क है, जो मुझे मेरी रोजी रोटी है, खुदा मुझे ऐसे भी दे देगा. जी देखिए, बहुत ही मेरे सॉन्ग्स, मेरी वेब सीरीज, मेरी फिल्में आने वाली है. और किसने कहा कि एक लड़की जब अबाया ऊपर से नीचे तक ढककर आती है, अबाया पहनकर आती है, बॉलीवुड उसे साथ नहीं देता? मैं इस बात को एकदम गलत साबित कर दूंगी. आज आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल अरबी लुक, एक इस्लामिक लुक मैं लेकर आई हूं. इसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूं, क्योंकि सब ने कहा है कि मैं उमरा करके आई हूं, तो अब मुझे वैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए. तो मैं खुदा से मैं दुआ करूंगी कि, और पूरे देश से जितने भी इस्लामिक लोग, जो इस्लामिक नहीं है, उनसे भी दुआ करूँगी कि मुझे ऐसे कपड़ों में ही बॉलीवुड में काम मिल जाए. बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मीडिया का, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जनता का, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मुस्लिम भाई बहनों का और सारे हिंदू भाई बहनों का. जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. नहीं जी, जैसा देश वैसा भेष होता है, तो वैसे ही अगर ये लुक्स, अभी मैं उमरा से आई हूँ तो डेफिनेटली मैं अपना ये लुक्स बरकरार रखूँगी. वर्ल्ड में जितने भी अबाया ये बनाते हैं, बुरखे अबाया, आप लोग मुझे स्पॉन्सर करें. मैं हर वक्त अलग अलग स्पॉन्सरशिप में अबाया पहनना चाहूँगी, और डायमंड के नेकलेस और ये पर्स और जूते भी दे सकते हैं. शुक्रिया.